साधु जी, हनुमान चालीसा की एक चौपाई सब लोग बोलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पूरी चौपाई पर तो नहीं, लेकिन एक अक्षर पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशुभ दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की पंक्ति चौपाई कह रही है कि आप हे हनुमान जी महाराज, आठ सिद्धियां और नौ निधियों के दाता हो। दाता का मतलब जानते हो? दाता का मतलब होता देने वाला। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां है नहीं, इससे भी और भी बड़ी चीजें हैं। ये तो वो बांटने के लिए रखे। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत अमीर आदमी होते हैं तो दो चार करोड़ को बांटने के लिए ही रख लेते हैं। ऐसी हनुमान जी ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां अपने लिए नहीं रखे, बांटने के लिए। दाता का मतलब देने वाला, दाता का मतलब प्रदाता। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के जीवन काल में आप अनुभव करेंगे, हनुमान जी के पास इतना अपार बल है, इतनी सिद्धियां हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को पता ही नहीं। हनुमान जी को याद करवाना पड़ता है बार बार, आप लंका गए, आपने ऐसा किया वैसा किया, तब हनुमान जी के भीतर से जगते हैं, अच्छा अच्छा तो हम ऐसे हैं, हाँ आप ऐसे हो, तब फिर उन्हें लगता अच्छा 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 कोई बात नहीं, आपने ध्यान करवा दिया, बताओ क्या काम से, तब उन्हें ध्यान आता। देखो आचार्य बैठे हैं, महाराज जी नौ होते नवग्रह, जिनको आपकी भाषा में आप कहते नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। हाँ, नौ होते नवग्रह, और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। नवग्रह अगर टेढ़े भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अनुग्रह राम जी का बना रहे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो श्री जानकी जी के सामने राम चंद्र गुण बरे नीला, सुने दही सीता करे दुख भार। राम जी के गुणानुवादों को जब श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी गाने लगे, जानकी जी सुनकर के जानकी जी का दुख भाग गया। हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया, रामचंद्र जी, रामचंद्र जी की खबर मैया जानकी जी को सुना दी। आ हा 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 हा, और मैया खुश हो गई, मांगो बेटा क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं चाहिए, परंतु जानकी जी नहीं मानी तो कहा अजर अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं है अजरता से। अच्छा अच्छा, अब तुमने काम बहुत बड़ा किया है, हमने छोटा सा उपहार दिया इसलिए मुंह टेढ़ा कर रहे, तो अमारा अमर हो जाओ। हनुमान जी ने और मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं अमरता से अजरता से। अजर का मतलब जो कभी छीन ना हो, कभी वृद्ध ना हो, ऐसे अजर हो जाओ। अमर का मतलब जो कभी मरे ना। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें नहीं इससे कोई मतलब। अच्छा अच्छा, कम हमने तुमको चॉकलेटें दी, और चॉकलेट लो। क्या अजर अमर गुण निधि, जाओ गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह नीचे लटका लिया, क्या हुआ, डेयरी मिल्क से भी नहीं मान रहा, अब कौन सी चॉकलेट चाहिए, इतने में भी अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक हमने तुम्हें बेटा नहीं कहा, तो सोते हो हूं, तुम आज से हमारे बेटा हो, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि। हनुमान जी ने रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली अब क्या हुआ, हमने तो पार्ले जी भी दे दिया। हनुमान जी बोले इससे भी मजा नहीं आया। तब कराही बहुते रघु नायक छो, कराही बहुते रघु
आओ तुम पर राम जी बड़ा प्रेम करेंगे। हनुमान जी खिलखिलाकर बोल पड़े जय श्री राम। आ हा 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 हा, ये चौपाई क्या कह रही भैया, ना तो हनुमान जी अजरता से प्रसन्न भाई, ना अमरता से प्रसन्न भाई, ना गुण निधि से प्रसन्न भाई, ना बेटा कहने से प्रसन्न भाई। हनुमान जी को जब वरदान मिला के जाओ तुम पर रघुनाथ जी बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो सिर्फ राम ही प्यारे हैं, राम जी प्यारे हैं। अच्छा लो अच्छी बात याद आ गई, हनुमान जी को राम जी प्यारे हैं, राम जी को क्या प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्रिया। हनुमान जी को तो राम जी प्यारे हैं, पर राम जी को प्रेम प्यारा है। प्रेम कौन सा हो, जिस प्रेम में मां के चरणों को पकड़ते हुए हम राम जी के पास पहुंचते हैं, वो प्रेम राम जी को बड़ा ही प्रिय है। हनुमान जी ने डायरेक्ट शरणागति नहीं ली, ना हनुमान जी मिले जरूर पंपा सरोवर में, राम जी से मिले मुलाकात भी की, पर शरणागति माता जी के थ्रू लो। जानकी जी है मां, अच्छा बाप से कोई भी बात कहने हो मां का माध्यम पकड़ लो, पिताजी ना मान रहे हो नो प्रॉब्लम, बाप बाप तो डेंजर आदमी होता है, बाप मतलब खतरनाक, और प्रायः किसी का बाप सीधा होता नहीं है, ज्यादातर लोगों का बाप बाप जैसा होता है। अब बाप से कुछ कहना हो तो दम पड़ती नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, माता जी का शॉर्टकट पकड़ते हैं, मैया ऐसा हो जाए तो माता जी फिर घुमा फिरा के वो छोटू जरा परेशान रहा, काय बात थे कछु नहीं, पॉकेट मनी खत्म हुई गई। और डायरेक्ट अगर कहें कि पापा पॉकेट मनी से जय चटाक, चार दिन पहले दिए अब थूक लिए, सब सब थूक लिए, चार दिन पहले 10,000 दिए रहे, पड़ा 10,000 के बदले 10 चाटा और पा जाए कल। अब माता जी के थ्रो कह दो, जरा कह देना माता जी कैसे, छोटू परेशान रहा, का हो गया, टेंशन में दिख रहा था सुबह से, अरे हुआ क्या, खाया नहीं सुबह से, ये तो हुआ क्या, रो रहा था, ये छोड़ो क्या 10,000 दे देना, कहना कर रोए ना। अब डायरेक्ट कहता, ये फायदा है माता जी के थ्रो में। हनुमान जी ने भी डायरेक्ट शरणागति नहीं ली, थ्रो पकड़ा, थ्रो मतलब एक जगह स्थान। हनुमान जी ने किसको पकड़ा, माँ जगत जननी भवानी को, भवानी माँ जानकी जी, जगत जननी जानकी में, जानकी जी प्रसन्न कैसे हुई, राम चंद्र गुण बरने ला सुने तही सीता कर दुख बारा। आहा जानकी, देखो पत्नी वही है जो पति की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जावे, यहां एक तो ये लक्षण है, दूसरा ये बात सिद्ध हो रही है कि जीवन में जब भी दुख हो, संसार में जब जब वृथा सताए, तब तब राम कथा सुन लेना, वृथा अपने आप मिट जाए।